जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पासवर्ड दिखने लग जाएगा। आप सिंपल क्या कीजिए, इसको या तो कॉपी कर लीजिए। हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि आप अपने एक प्रिंटर को कई सारे पीसी के साथ कैसे कनेक्ट करोगे। कहने का मतलब आप किसी भी पीसी, किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी लैपटॉप से आप प्रिंट दोगे तो आपका एक प्रिंटर से वो प्रिंट निकलेगा। आपको कोई वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो कई सारे ऑप्शन है, कई सारे ट्रिक है। आज मैं आपको उसमें से एक बताने वाला हूं जो कि काफी सिंपल है, काफी इजी है, जिसको देखकर आप क्या कर सकते हो, अपने मल्टीपर्पस कंप्यूटर को एक प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको लेकर आता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और वहां पर आपको सारा कुछ लाइव करके दिखलाता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए आते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे। आपको मैं सबसे पहले यहां पे दिखलाऊं कि ये मेरे पीसी में जो है विंडोज 8 है, ठीक है, विंडोज 8 इंस्टॉल है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल पैनल यहीं से ओपन कर लेता हूँ, आपको डिवाइस एंड प्रिंटर यहाँ पे दिखला दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा सेकेंड पीसी है मैं उसको मैं एनी डेस्क से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं एनी डेस्क से उसको कनेक्ट करूंगा वहां पर रिक्वेस्ट जाएगा जिसको हमें एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम उसको करते हैं सिंपल एक्सेप्ट। अब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि मेरा जो दूसरा पीसी है जो विंडोज 7 है उसमें, चलो मैं आपको दिखलाई देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपके जो आपके पीसी में कौन सा जो ये इंस्टॉल है विंडोज, आप वो देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ से विंडोज 7 है। कहने का ये मतलब है कि मैंने आपको इसलिए दिखलाया ताकि आप देख पाए कि ये दोनों पीसी अलग अलग है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसके डिवाइस एंड प्रिंटर में जाकर। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्रिंटर जो है जो कि इंस्टॉल है वो है HP LaserJet M1005, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको दिखलाया कि मेरे दूसरे पीसी जो है वहाँ पे ऐसा कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। तब हम क्या करेंगे, विदाउट वायर, बिना किसी चीज़ के हम क्या करेंगे, अपना जो प्रिंटर हमारा उस पीसी में इंस्टॉल है हम उसको यहाँ पर भी यूज करेंगे। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल जो है होम ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। होम ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको मैं सबसे पहले बताऊं, जैसे कि मैं अपने यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं। यहाँ पर जब कंट्रोल पैनल ओपन करोगे आपके सामने दिखेगा होम ग्रुप, ठीक है, आपको वो फाइंड कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है क्रिएट अ होम ग्रुप, आप यहाँ से क्रिएट कीजिए, ठीक है। क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सारा कुछ ऐसे ही रहेगा परमिशन पे, आप नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पासवर्ड दिखने लग जाएगा। आप सिंपल क्या कीजिए, इसको या तो कॉपी कर लीजिए या फिर इसका पासवर्ड बाद में चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो चलिए हम पासवर्ड फिलहाल कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा सेकंड पीसी है वहाँ पे यह पासवर्ड जो है एंटर करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, उसके बाद जो है क्या होगा कि होम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। जो मेरा यह पीसी है इसमें मैंने होम ग्रुप जो है क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने सेकंड पीसी में एनीडेस्क, जिसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, यहाँ पर डिवाइस एंड प्रिंटर से हटकर हम क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में फिर से जा रहे हैं। वहाँ पर हम देखेंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट, आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखता है सेकंड नंबर में होम ग्रुप, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन का, सिंपल आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोलेगा टाइप द पासवर्ड, आपको सिंपल क्या करना है, जो पासवर्ड आपने कॉपी किया हुआ था उसको पेस्ट करना है। अदरवाइज आप पासवर्ड लिख लेंगे तो उसको आप टाइप भी कर सकते हैं। सिंपल जो है नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये जो होम ग्रुप है क्या है, आपने ज्वाइन कर लिया है, ऐसा यहाँ पे पॉपअप शो करता है। बस थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये होम ग्रुप क्रिएट हो रहा है। एक चीज मैं आपको और बताऊँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों पीसी में मैंने सेम इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब आप देख पाएंगे यहाँ पे BSNL का जो मैंने वायर से दोनों कनेक्ट है, तो दोनों पीसी जो है सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं जो विंडोज 8 वाला पीसी है, जो सेकंड पीसी है हमारा, क्या वहाँ पे कोई भी प्रिंटर आया या नहीं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे वापस। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे आपके सामने कुछ ऐसा शो करेगा, HP LaserJet M1005 ऑन PC, बिकॉज जो दूसरा मेरा पीसी है उसका नाम मैंने PC रखा हुआ है, और जो मेरा जो ये वाला पीसी है इसका नाम हमने पता क्या रखा हुआ, आप देख पाएंगे यहाँ पे ABC। तो कहने का मतलब अब आप देख पाएंगे और समझ गए होंगे कि आप जो है होम ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे। और साथ ही साथ अब मैं चलो प्रिंट करके भी दिखला देता हूँ आपको। ये मैंने एक थंबनेल बनाया था, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूँगा, जैसे यहाँ से आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको एनी डेस्क प्रिंटर, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। अब आप देख पाएंगे कि HP LaserJet M1005 जो कि मेरे दूसरे PC में इंस्टॉल है वहाँ पर ये शो कर रहा था। तो हम सिंपल उस पर क्लिक करेंगे,
और अब यहाँ से हम इसको प्रिंट दे देते हैं। अब यह प्रिंट हो रहा है, कहने का मतलब एक प्रिंटर से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे पीसी होंगे, या फिर फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके ऑफिस में या फिर आपके घर पे या कहीं भी जहाँ पे मल्टीपल पीसी हो, लैपटॉप्स हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास एक प्रिंटर है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, होम ग्रुप क्रिएट करके जो है आप वहाँ से पीसी का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।